नमस्कार, मैं हूं वर्तिका नंदा। ये जगह है बारामूला चिनार युवा सेंटर। नाम जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये काम, क्योंकि यहाँ पर एम्पावर करने का काम हो रहा है। आसपास से युवा यहाँ पर आते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं। लेकिन मैं ज्यादा क्या बताऊँ, पहले तो आप इन चेहरों को देखिए। जिन चेहरों में उत्साह भी है और लगन है, डेडिकेशन है, अपनी जिंदगी को दोबारा से एक नए सिरे से लिखने की जो जज्बा है, उससे अब आप खुश होंगे। आपका नाम? अफरोज है। हरमीत जी, आप इनको रोज सिखा रही हैं स्किल्स। आप यहाँ सूट बनवा रही हैं, शॉल की कढ़ाई करवा रही हैं, ये सारा जो आपका काम है इस युवा इस समय आपके पास है एक बैच में, तो ये बैच को एम्पावर करते हुए आपकी अपनी खुद की लर्निंग क्या है? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम लड़कियाँ ही नहीं, लेडीज़ को भी इम्पावर कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह पर कहीं गवर्नमेंट के या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ एज लिमिट है, हमने एज लिमिट नहीं रखी है और हर चीज़ हम लोग इनको यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बारामूला के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें अच्छा लग रहा है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की जो इनकी जड़ें हैं, उस जड़ में रहते हुए ये यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और आर्मी का जो सपोर्ट है उसकी वजह से इन्हें एक नई तरह की फ्रीडम मिल रही है। रश्मि सिंह जी स्पेशली आई हैं श्रीनगर से यहाँ पर ये देखने के लिए कि जो एम्पावरमेंट की जो मुहिम है इसका कैसा असर पड़ रहा है पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है उस पर, और कैसे इसकी आवाज़ पूरे देश में और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में पहुँचेगी। आपका अपना अनुभव क्या? ये वेमेन पार्टिसिपेशन का इंटू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत अद्भुत मिसाल है। और बारामूला क्षेत्र में और ये महिलाएं और बच्चियां जो अपने घर से निकल करके एक साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के मोटो के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ये उनकी अपनी काबिलियत है और उनके हुनर की पहचान है, उनका आत्मविश्वास है कि वो बाहर निकल कर के आएंगे घरों से अपने सपनों को लेकर के, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रही है। मैंने सुना यहाँ पे जो युवा चिनार सेंटर जो यहाँ आए, तो जितने ऑर्डर्स आते हैं तो ये महिलाएं घर बैठी हुई भी बनाती हैं और उसका जो है काम का जो प्रॉफिट ये रहता है वो घर बैठे इन्हें मिलता है। तो ये तो अर्न व्हाइल यू लर्न कॉन्सेप्ट हो गया, ये सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ ये अर्न भी करते हैं। तो आत्मनिर्भरता का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक बहुत सुंदर मिसाल है अन्य महिलाओं। तो ये लोकलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है। तो हम लोकल हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल अप्रोच है वो यहाँ पर साथ ही साथ दिखाई देगी। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर है वो यहीं पर बनेगा, प्रमोट होगा, जड़ों से जुड़कर आप एक नई तरह की चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। आप यहीं पर हैं और यहीं से रहते हुए आपकी जो नजरें हैं वो दुनिया के फलक पर हैं। और ये जो सुई धागा है, रंग है, कपड़े हैं, सिर्फ वही नहीं है जो आपको दिख रहा है, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सुई धागे के जरिए ये अपनी किस्मत को नई तरह से जो बनाने की, गढ़ने की, कढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के लोग जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेंगे कि श्रीनगर बदल रहा है, जम्मू और कश्मीर बदल रहा है और उसी के साथ बदल रहा है हिंदुस्तान। वर्तिका नंदा, बारामूला के सेंटर से, और ये है इनके पास। Thank you.